18 नवंबर 1962 सुबह होने को थी, बर्फीला धुंधल का पसरा था, सूरज 17,000 की फीट की ऊंचाई पर अभी तक नहीं चढ़ सका था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहां सीमा पर भारत के पहरुए मौजूद थे। 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे जिनके पास इस पिघला देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इस माहौल के लिए नए थे। इसके पहले उन्हें इस तरह बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव न था। तभी सुबह के धुंधलके में रेजांगला यानी रेजांग पास पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। टिमटिमाते हुए बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे। उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे याक के गले में डालकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी। अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चीनी सेना पूरी तैयारी से थी। ठंड में लड़ने की उनकी आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300-400 राउंड गोलियां और 1,000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक फायर करती थी। इन्हें दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बेकार घोषित किया गया था। चीन को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए यह चाल चली। चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, मदद मांगी। सीनियर अधिकारियों ने कहा, अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी, कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर पूरा भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोटरारों का हमला शुरू हो गया। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। इन्हीं के लिए कवि प्रदीप ने लिखा है, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब तो हम सफर करते हैं। ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर खून से सने थे। दो सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से संपर्क करो। दोनों सैनिक वहां से चले गए। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिया ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उस चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। पता नहीं कितनी देर वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था। हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1800 सैनिक इस जगह पर मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने
चीनी सेना को घुसने नहीं दिया। बाद में मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी मिला। आज जिस तरीके से भारत और चीन के मध्य स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे वीर जवानों की शौर्य गाथाएं मौजूदा सैनिकों की रगों में और जुनून और जोश भरती हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।